मैं बताऊं मुंबई के लोग बहुत अच्छे होते हैं, यस yes? जब तक ये लोकल में नहीं चढ़ते मैं तो शुरू में आया ना तो लोगों ने बोला लोकल में एक बार जाओ भाई, लाइफ में फील ही मुंबई में वही है, ट्रेन से बाहर करके लव यू जिंदगी करो फील है फील ग्रेट। मैं गया तो मैं चढ़ गया अंदर, तो होता क्या है कि वो दो सीट के बीच में पैसेज होता है, पता है आपको सीट पैसेज, अच्छा वहां पे तीन लोग खड़े होते हैं, ये टिकट पे लिखा नहीं है, ये माने बैठे हैं। तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो बंदा कर अबे खसको, तो मैं थोड़ा अंदर खसक गया, फिर तीसरा अबे खसको, मैं और अंदर चला गया। अब होता क्या है जो सबसे अंदर खड़ा होता है ना, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो सबके बैग रखेगा ऊपर, ये लो बैग, ये लो टोकन, ये लो बैग, ये लो टोकन। अच्छा लिखा तो पर्ची पे ये भी नहीं है, टिकट पे ये भी नहीं लिखा हुआ, मैं रख भी देता, बंदे ने बात कैसी करा, एक बंदा कह रहा ओ हेलो मैं दिल्ली का हूं, मैं कहा ओ मुंह से बोलते रख देता हूं यार मैं, यार आराम से यार। आप में से कितने लोग बैंगलोर गए हैं? हाँ बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में पता, कितना प्यारा ट्रैफिक है बैंगलोर। मैं आपको बता दूं बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में, जो लोग नहीं गए बैंगलोर, बैंगलोर का बैंगलोर दिखता कैसे बताता हूं आपको, इमेजिन करना है आपको। आपने वो बॉलीवुड की फिल्म देखी है जिसमें एक छोटा बच्चा रोड पे भागते है और भागते भागते बड़ा हो जाता है, वो बैंगलोर ही है। कोई पुणे गया आप में से? पुणे मैं बता रहा हूं, मेरा अगर अगला जन्म हो ना तो मुझे बनना है पुणे का ऑटो वाला। आप जाओ पुणे कभी भी ऑटो पकड़ने जाओ, ऑटो वाला अंदर फोन लगाया होता है उसने और ईयर फोन लगा के फिल्म देख रहा होता है बैठ। तो मैं एक बार मैंने कहा भैया चलोगे? कह रहा एक काम करिए आप ओला या उबर ले लीजिए। मैं कहा भैया आप कह रहा मैं अभी मूवी देख रहा हूं और कमाल की बात है वो देख रहा था रेस 3। अच्छा रात में कभी पुणे में ऑटो पकड़ा आपने? आप नहीं पकड़ा होगा क्योंकि पुणे वाले में ऑटो रात में मिलेंगे नहीं आपको, और मिलेंगे तो पैसे इतने मांगते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे एक बार मैं गया, मैंने कहा भैया 1 किलोमीटर जाना है, कह रहा हाँ 3 लाख लगेंगे। मैं कहा भैया फिर चक्कू भी निकाल ही लो आप। कह रहा क्यों? मैं कहा लूटने वाली फीलिंग ही नहीं आ रही हमारे को। आप ही तो कितने लोग जयपुर गए हैं? जयपुर गए। मैं बता रहा हूँ एक ड्राइवर जयपुर का है या नहीं अगर पता लगाना हो आपको, तो आप जाओ जयपुर और जयपुर का ड्राइवर चला रहा है हाईवे पे 100 की स्पीड पे गाड़ी, और 100 की स्पीड में वो अचानक गेट खोल के थूक देगा। मैं साइड में बैठा था ऐसे लव यू जिंदगी कर रहा था, मैं पीछे बैठ गया आगे। मैं कहा भैया ये क्या क्या कह रहा? अरे भैया ये लोग थू पता उनका नहीं है कोई का, भाई उनका अलग चलता है। एक तो कितना लोग आप अभी गुड़गांव गए हो कभी? मैं अपने एरिया की बेइज्जती कर लेता हूँ, गुड़गांव दिल्ली नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ गुड़गांव। ओहो आप जिंदगी में कभी मौका मिले बताओ, जैसे मैं जाता हूँ हमेशा गूगल मैप फॉलो करते हो, हर कोई आप भी करते हो गूगल मैप फॉलो करते हो, तो गूगल मैप फॉलो कर जाता हूँ, तो मैं गुड़गांव अगर आप जा रहे हो तो ऐसे मैप फॉलो करते जा रहे हो, अचानक क्या होगा उसी रोड पर 4 गाड़ियाँ उल्टी दिखेंगी आपको, चार ऐसे। तो फिर आप गूगल मैप को ऐसे करते हो तो मैप मुकर जाता है ऐसे, आदमी छोड़ो मैप मुकर जाते हैं। जैसे आप देखते हो फास्टेस्ट रूट गुड़गांव में चलता है सेफेस्ट रूट, गुड़गांव में चक्कर ही नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने ग्रेटर नोएडा में कर लिया, ग्रेटर नोएडा में बहुत दूर है मैं बता रहा हूँ। उसने वो नेट पे आर्टिकल देख रहा है टॉप 10 थिंग्स टू डू इन ग्रेटर नोएडा, उसे पहले लिख के आया स्लीप, बाकी कह रहा 9 रिपीट। मैं कहा और ले ले ग्रेटर नोएडा में घर।